इस वीडियो के जरिए आज मैं आपको 2021 के कुछ ऐसे बिजनेस के बारे में बताऊंगी जो कर कर आप मुनाफा कमा सकते हैं और जिसके जरिए आप अपना एक स्टार्टअप बिजनेस शुरू कर सकते हैं, वो भी कम लागत में। तो ऐसे बिजनेस देखने के लिए आपको ये वीडियो अंत तक देखना होगा। आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, बेल आइकॉन का बटन ज़रूर दबाइएगा और साथ ही साथ सब्सक्राइब कीजिएगा हमारा चैनल। तो देखिए ध्यान से कि 2021 में कौन से ऐसे बिजनेस हैं जो अच्छा मुनाफा आपको दे सकते हैं और इन बिजनेस को कैसे आप स्टार्ट कर सकते हैं। मेडिकल कुरियर सर्विस। आज हम खाने से लेकर ग्रोसरी भी ऑनलाइन मंगाते हैं, कपड़ा हो या अन्य वस्तुएं, सब कुछ अब ऑनलाइन बस एक क्लिक पर उपलब्ध है। अब तो महामारी ने भी हमें ऑनलाइन खरीदारी करना सिखा दिया है। अब तो हम खरीदारी के लिए बाहर जाना अधिक पसंद नहीं करते, सोचते हैं कि सब कुछ बस एक क्लिक पर हमारे घर पर आ जाए। ऐसे में यदि आप दवाओं का ऑनलाइन बिजनेस शुरू कर सकते हैं तो ये 2021 का बेहद फायदेमंद बिजनेस आइडिया है। ऐसा नहीं है कि मेडिसिन के ऑनलाइन ऐप नहीं है, ऐप्स हैं लेकिन बेहद कम है और उनकी अपनी समय सीमा है। यदि आप एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार कर पाएं जहां बिग बास्केट, स्विगी की तरह तुरंत ऑर्डर हो सके और तुरंत डिलीवरी हो सके तो ये बेहद लाभदायक बिजनेस होगा जिसमें लोगों को घर बैठे सुविधाएं मिल रही होंगी। इसमें आपको करना ये है कि एक प्लेटफॉर्म क्रिएट करना है, फिर आप जहां इस ऐप को लॉन्च कर रहे हैं उस शहर के हर एक मेडिकल स्टोर को ऐप में रजिस्टर्ड करना है, फिर ग्राहक जिससे चाहे अपनी मेडिसिन लें और आप टाइम पर डिलीवरी कर रहे हैं। घर का खाना प्रोवाइड करने का बिजनेस। हमारे आसपास बहुत से ऐसे लोग हैं जो लगातार प्रतिदिन या साप्ताहिक यात्रा करते रहते हैं, एक शहर से दूसरे शहर, एक राज्य से दूसरे राज्य। जो लोग अधिकतर यात्रा करते हैं उन्हें हमेशा एक समस्या से सामना करना पड़ता है, वो है घर का खाना। यूं तो बहुत अच्छे अच्छे होटल, रेस्टोरेंट आदि हैं, लेकिन आप खुद जानते होंगे कि अधिक बाहर का खाना खाने से हमारी सेहत भी खराब हो जाती है। यदि हम कहीं घूमने के इरादे से यात्रा करते हैं तो एक दो दिन ठीक है, वहीं बाहर का खाना हम रेगुलर खाने लगें तो ये हमारी हेल्थ और लाइफस्टाइल के लिए ठीक नहीं है। तो दोस्तों, आप 2021 में इस समस्या का समाधान दे सकते हैं, वो भी घर का खाना ऐसे यात्रियों को प्रोवाइड कराकर जो लोग अधिकतर समय यात्रा में निकलते हैं। जी हाँ, ये एक बेहतरीन बिजनेस है। यदि आप इसे पूरे समर्पण के साथ, पूरी प्लानिंग के साथ करते हैं तो ये बिजनेस आपको बहुत लाभ पहुंचा सकता है। इस बिजनेस को करने के लिए सबसे पहले आपको उन जगहों का चयन करना है जहां यात्री अधिकतर घूमने या रहने जाते हैं। उनके आसपास के लोकल घरों के साथ आप टाई अप करें। उन लोकल घरों का खाना आप उन लोगों को प्रोवाइड कराएंगे जो लोग यात्रा के शौकीन हैं या काम की वजह से यात्रा करते हैं। इसके लिए आपको एक प्लेटफॉर्म क्रिएट करना है। उस प्लेटफॉर्म के अंदर उन सभी घरों को रजिस्टर करें जिनके साथ आपने टाई अप किया है। अब जब भी कोई ट्रैवलर ट्रैवल करने से पहले आपके प्लेटफॉर्म में दिखेगा तो उसे उन घरों की जानकारी मिलेगी जो घर का खाना प्रोवाइड करते हैं। यानी कि एक व्यक्ति जो ट्रैवल कर रहा है उसने अपने ऐप में जहां वो रुका हुआ है उसे देखा, फिर जहां वो रुका हुआ है उसके आसपास के घरों को देखा कि वो कहां से अपने लिए घर का खाना ऑर्डर कर सकता है और उसने उस घर को चुना और आपने उस घर से उस ट्रैवल तक खाना पहुंचा दिया। अब इससे जो लोकल घर खाना प्रोवाइड कर रहे हैं उनकी एक्स्ट्रा इनकम बढ़ रही है, जो यात्री यात्रा कर रहे हैं उसे घर का खाना मिल रहा है और आपको एक बेहतरीन बिजनेस के साथ कमीशन भी मिल रही है। यदि आप इस बिजनेस के बारे में और डिटेल में समझना चाहते हैं कैसे काम करता है तो आप जापान की कंपनी किच हाइक के बारे में गूगल पर सर्च करके जानकारी हासिल कर सकते हैं। ये कंपनी इसी तरह की सर्विस प्रोवाइड करती है, आप इससे प्रेरणा ले सकते हैं। काउंसलिंग का बिजनेस। आज के भागम भाग भरे जीवन में प्रत्येक व्यक्ति व्यस्त है, ऐसे में अपनों के लिए एक दूसरे के लिए समय निकालना काफी मुश्किल वाला काम है, लेकिन यहीं से काफी समस्याएं भी जन्म ले रही हैं। लोग डिप्रेशन के शिकार हो रहे हैं तो कुछ अपनी जिंदगी ही खत्म कर ले रहे हैं। यदि आप 2021 में अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं और ढूंढ रहे हैं कोई बढ़िया सा आइडिया तो ये वीडियो आपके लिए है। जी हाँ दोस्तों, जो लोग अकेले रहते हैं, अकेलापन महसूस करते हैं, जिनके पास कोई ऐसा नहीं है जिनसे वो अपनी बातें शेयर कर सकें या वो लोग जो सलाह आते हैं, ऐसे लोगों के लिए आप एक काउंसलर प्लेटफॉर्म क्रिएट कर सकते हैं। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म होगा जहां आप कुछ एक्सपर्ट लोगों को जिम्मेदारी देंगे कि वो लोगों की बात सुनें, उन्हें सही सलाह दें और उनको आगे का मार्ग दिखा सकें। कोरोना ने डिजिटल की वैल्यू बढ़ा दी, आज हम दूर होकर भी अपनों से जुड़ सकते हैं। उसी तरह ये बिजनेस आपको उन लोगों से जोड़ेगा जो अपने जीवन में परेशान हैं, किसी न किसी बात का जवाब चाहते हैं। यूएस की एक ऐसी ही कंपनी है काम जो इस तरह की सर्विस प्रोवाइड कर रही है, आप उसके बारे में गूगल पर पढ़ सकते हैं, उससे प्रेरणा लेकर आप 2021 में अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं। सस्ते में खाना प्रोवाइड कराने का बिजनेस।
हमारे देश में प्रतिदिन बहुत से लोग भूखे सो जाते हैं और वहीं प्रतिदिन क्विंटलों में खाना बर्बाद होता है। ऐसे में यदि आप 2021 में अपना बिजनेस शुरू करने की सोच रहे हैं और आइडिया ढूंढ रहे हैं, तो आपको हम यहाँ एक ऐसा आइडिया देने जा रहे हैं जो आपको भविष्य में कामयाबी दे सकता है। हमारे आसपास बहुत से ऐसे लोग हैं जो हर दिन अधिक राशि लगाकर खाना नहीं खा सकते। वो ऐसा विकल्प ढूंढते हैं कि उनको अधिक मूल्य ना देना हो और भूख भी मिट जाए। ऐसे में ऐसे लोगों के लिए और अन्य लोगों के लिए आप सस्ते में खाना प्रोवाइड कराने का विकल्प दे सकते हैं। इसके लिए आपको करना ये है कि आपको सभी रेस्टोरेंट से बात करनी है। आपके वहाँ जो खाना बचता है आखिर आप उसे फेंक देते होंगे, तो आप उस खाने को फेंके नहीं बल्कि मुझे बेहद कम दाम में दे दें, जिससे खाना भी बर्बाद ना हो और आपको कुछ दाम भी मिल जाए। अब आपको एक प्लेटफॉर्म बनाना है जहां लोग बेहद कम कीमत में ये खाना ऑर्डर कर सकें। मान के चलिए कि एक ऑर्डर में 70 रुपए लगते हैं और वही खाना आप प्रोवाइड कर रहे तो आप 40 रुपए में करा रहे, तो ये बेहद सस्ता ही हुआ ना, उनके लिए जो महंगा खाना अफोर्ड नहीं कर सकते। इस बिजनेस के बारे में अधिक जानकारी चाहते हैं तो आप यूएस की कंपनी कर्मा के बारे में जान सकते हैं। ये ऐसी ही कंपनी है, इस तरह की सर्विस प्रोवाइड कर रही है। आज ये काफी पॉपुलर है, आप इस कंपनी से भी प्रेरणा ले सकते हैं। रिसाइकलिंग का बिजनेस। प्लास्टिक वातावरण के लिए हानिकारक है, ये हम सब जानते हैं। सरकार भी धीरे धीरे प्लास्टिक को निषेध कर रही है। ऐसे में यदि आप 2021 के लिए कोई बिजनेस आइडिया ढूंढ रहे हैं तो ये आपके लिए अच्छा बिजनेस विकल्प है। रिसाइकलिंग वाले प्रोडक्ट की डिमांड आहिस्ता आहिस्ता ही सही पर बढ़ रही है। हालांकि अभी भी मार्केट में रिसाइकलिंग प्रोडक्ट में क्वालिटी नहीं है। आप इस बिजनेस को करके काफ़ी अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। इसके लिए आपको करना ये है कि सरकारी नियमों का पालन कर पंजीकरण कराएं। आप किस तरह रिसाइकलिंग करेंगे ये सुनिश्चित करें, क्योंकि रिसाइकलिंग कई प्रकार की होती है। लेकिन आपको ये बता दें कि आने वाले समय में इस बिजनेस की डिमांड और बढ़ेगी, तो ये भविष्य के लिए भी एक अच्छा बिजनेस विकल्प है, जिसमें पर्यावरण सुरक्षित भी रहने वाला है और प्रॉफिट भी अधिक होगा। आपके बिजनेस का सच्चा साथी।